हवा आदमी, जानता कुछ नहीं है, फालतू बात करता रहता है। कितने लोगों को, गृहस्थी के लोगों की बहुत मजाक करते हैं, टंटिंग करते हैं, लेकिन नहीं, दोनों आश्रम अपना अपना महत्व रखते हैं। गृहस्थ आश्रम में सभी का जन्म होता है। कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में जन्म लेकर बड़े होकर फिर गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करते हैं, और कितने लोग गृहस्थ आश्रम में जन्म लेकर बड़े होकर शिक्षा संस्कार प्राप्त करके संत आश्रम को स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से अपना मार्ग चुनते हैं। और स्वेच्छा से मार्ग चुनने का सौभाग्य मनुष्य जीवन में ही है। आपकी जो इच्छा हो वो रास्ता चुन लीजिए। तो चाणक्य से पूछा गया कि गृहस्थ आश्रम में बहुत कलह कलेश है, बहुत राग द्वेष है, बहुत झगड़ा भी है, भाई भाई में झगड़ा है, बड़ा तनाव रहता है, ये गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य होगा, ये आश्रम कैसे सफल हो सकता है। दुख इस सृष्टि में इतने ज्यादा है नहीं जितने ज्यादा लोग भोग रहे हैं। दुख हो कुछ नहीं, ये सृष्टि दुख और सुख दोनों से मुक्त है। इस सृष्टि के अंदर दुख और सुख निर्मित करने की कला आपके हाथों में है। दुख और सुख का निर्माण सृजन करने की क्षमता आपके संस्कारों में, स्वभावों में, आपकी वाणी में, आपके चरित्र में है। भगवान किसी के लिए दुख नहीं बनाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया, निषाद राज को थोड़ा गुस्सा आ गया। जब राम को देखा कुश की चटाई पर लेटे हुए, निषाद राज ने कहा कि राजा दशरथ ने ठीक नहीं किया, गलत बात, कैकेयी ने भी बहुत गलती किया, ऐसा उचित नहीं, ये माता पिता का कार्य। बड़ी विचित्र बात, राजा दशरथ ठीक नहीं किए। लक्ष्मण ने कहा मेरे मित्र आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपको दो शब्दों में समझाता हूं ये दुख सुख कहां से आया। लक्ष्मण भी ज्ञानी थे, विद्वान थे, प्रवचनकार थे, ऐसे थोड़े महान हो गए कि भगवान के साथ में पीछे पीछे चल दिए तो महान हो गए, ना ना। अरे पीछे पीछे तुम गाय के पीछे पीछे तुम चल दो क्या गाय बन जाओगे, तुम फूल के पास खड़े हो जाओ क्या फूल बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ तो क्या मेरे जैसे बन जाओगे, वो नहीं होता है। हमारे पास में एक मधुमक्खी रोज आती है, मक्खी भी आती है, मधुमक्खी भी आती है, मधुमक्खियां भी नमस्कार करने आती हैं कि जय हो साहेब आपकी, खूब फूल लगवाया है, खूब रस चूसूंगी। मक्खी इसलिए आती है, कुछ लोग मीठा भेंट करते हैं तो उसको चाटने चूटने आती है, तो ये सब आती है। लेकिन याद रखना वो मक्खी थोड़े महान बन जाएगी हमारे पास आने से, नहीं कुछ नहीं होगी। तो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, हनुमान जी भी बहुत बड़े विद्वान थे, शिव जी बहुत विद्वान थे, पार्वती जी बहुत विदुषी महिला थी। ये पार्वती केवल ऐसा नहीं विवाह करके बस चकई के चकधुम मके के लावा तिकड़ी के तिकड़े में बनाती नहीं, घर में रोना धोना गाना लोना पोना सोना ऐसा नहीं, पार्वती बहुत विदुषी महिला थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोटअप करती थी शिव जी से, स्कंद पुराण में पूरा क्वेश्चन कोटअप किया है पार्वती जी ने शिव जी से। ये सटपट पति एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और ऐसे ऐरे गैरे नथु खैरे वगैरे पगैरे लगैरे को पार्वती जी पति बनाएंगी भी नहीं। देखो आपका ग्रेट जैसा होगा ना, पत्नी भी उसी ग्रेट की आपको मिलेगी। आप ये सोचो कि हम मूर्ख राज बने और पत्नी बहुत बुद्धि का भंडार मिल जाए, अगर धोखे से मिल भी गई तो तुम्हारे दो धक्के मारकर फिर से वापस हो जाएगी कि मूर्ख के साथ नहीं रहूंगी। कितने लोगों को छोड़कर चली गई, और कितनी मूर्ख स्त्री बहुत बुद्धिमान पति को प्राप्त करती है, वहां मूर्खता नहीं छोड़ती है, पति उसको त्याग कर देता है, चलो निकलो परमानेंट सॉल्यूशन तुम्हारा निकालूंगा मैं, आपको हटना पड़ेगा यहां से, यहां जरूरत नहीं।
आप अपने ग्रेड को संभाले रहिए, क्वालिटी को संभाले रहिए, ग्राफ को संभाले रहिए। यही हाल शिष्यों में भी है, यही हाल गुरु में भी। ये सब सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब जगह लागू होता है, कॉमन सिद्धांत है। लक्ष्मण समझा रहे हैं कि हे निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब गाइए, दोहराइए, तिहराइए, चौहराइए, चार बार गाओ, क्या फर्क है, अंदर तक बैठ जाना चाहिए। बोलो, काहू न को सुख दुख कर दाता। क्या अर्थ है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। जब तुम्हारा कोई अपमान करता है तुम उससे नाराज हो जाते हो, कहते हो इन्होंने मेरा अपमान किया। धरती पर किसी के क्षमता नहीं तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हें दुख दे सके, तुम्हें कुछ भी। कहीं ना कहीं तुम्हारी त्रुटि है, भूल है, मिस्टेक है, गड़बड़ी है, तुम्हारी गलती के कारण अपमान तुम्हारे पास आया है। याद रखना, उस आदमी के माध्यम से आया है, लेकिन आपकी गलती थी इसलिए आया है। अपनी गलतियों को सुधारिए, मिस्टेक को करेक्शन कीजिए, अपमान नहीं आएगा, कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा सम्मान करेगा। लोग कहते हैं उन्होंने हमारी चुगली खा दी। अरे चुगली वाला रखे क्यों आइटम हो तुम, जो कोई चुगली खा दे। लोग कहते हैं हमारी बात उनसे बता दिया, ऐसी बात रखा क्यों तुमने, चुट्टा कहीं का फालतू बात करता है, अब उसके पीछे पड़े हैं तुमने क्यों बताया। अब ये नहीं कहते मैंने ऐसा कर्म किया क्यों, अपने को डांटो ना, कमरे में ले जाकर दो थप्पड़ मारो अपने गाल पर शीशा के सामने। स्वयं को कोई डांटता नहीं, स्वयं से बात करो। दूसरों से बहुत बात कर चुके हो, खुद से भी बात करना शुरू करो। दूसरों को बहुत डांट चुके हो, सुधार चुके हो, खुद को डांटना फटकारना शुरू करो, खुद को डिसिप्लिन में लाना शुरू करो। खुद के लिए दृढ़ संकल्प लो कि मुझको ऐसा करना है, और जिस चीज में तुम्हारा मन रुकता नहीं है उसके लिए कसम खा लीजिए कि ऐसा करना ही नहीं है, तब आप सफल हो जाओगे। कसम खाने के लिए वहां गंगा जी में, नर्मदा जी में जाने की जरूरत नहीं, ना हरिद्वार, ना कहीं जाने की जरूरत है, उससे कुछ नहीं होगा। कसम तुम जहां हो वहीं खा लो, कसम खाओ। कितने लोग कसम भी खा लेंगे कि मांस मछली नहीं खाऊंगा, और तीन दिन बाद मांस मछली भी खा लेंगे। कसम भी हजम, मांस मछली भी हजम, ये किस मॉडल की कसम। कसम की कोई रसम रखो, शपथ। जब नेताओं को मिनिस्टर बनाया जाता है तो वे शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने, राज्यपाल के सामने, कि मैं भारतीयता की शपथ लेता हूँ, ईमानदारी विश्वास के साथ इस देश की सेवा करूँगा। वो लिखा रहता है, उसको पढ़ देते हैं। सभी नेता बैठे हैं, सभी साइलेंट रहते हैं, और सभी जानते हैं करना तो उल्टा ही है, जो बोलना है शपथ पथ बोल दो। राष्ट्रपति की ऐसी तैसी क्या कर लेगा ये राष्ट्रपति है, मैं इसके ऊपर पति हूँ, ऐसी दुर्गति करूँगा, देखे देखे नहीं जाएगी। खूब घोटाला, खूब लफड़ा, खूब बवाल बना बना के रखते हैं, पूरी पार्टी को डुबा दिया लोगों ने। मैं निवेदन करूँगा, आप जितना अच्छे इंसान बनोगे, हर फील्ड में अच्छे इंसान की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, साधु लाइन में भी बहुत महत्व है अच्छे लोगों का। मैं जब यहां साधु बनने आया तो मेरे गुरुदेव बड़े खुश हो गए, मुझे देखा पैंट शर्ट में, मैं बोला तुरंत मैं साधु बनूंगा, गदगद हो गए कि पहला व्यक्ति जो है सब दबंग बोला कि साधु बनूंगा।
संचालक साहब को बोला मैं साधु बनूंगा। संचालक साहब खुश बोले आ जाओ। दो तीन दिन में मुझको परखा, दो तीन दिन के बाद वो पैसा वाली झोली मुझको थमाया कि इसको तुम पकड़ो, ये व्यक्ति इतना अच्छा मिल गया हमको। फिर उन्होंने देखा पैसा वैसा की झोली पकड़ने से ज्यादा इसके पास गुण है, छोड़ो इससे हटाओ, उसको कैंसिल किया। फिर मार्केट ले गए दो चार बार हमको सामान खरीदने में, कुछ जिस दुकान पर पहुंचते थे वहीं में प्रवचन सुना देता था, तो वो पैसा देकर खरीदते थे, हमको फ्री मिल जाता था दान में। बोले ये मार्केट के लायक व्यक्ति नहीं, इसको और ऊपर जाने लायक है। समझ गए संचालक साहब बड़ा सिंसियर माइंड थे वो तो अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, माइंड काम कम करता है, लेकिन पहले वो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत डिसिप्लिन रखते थे। फिर मुझे खेत में भी एक दो बार ले गए। भाई हर व्यक्ति अपने बेटे को सिखाता है, ये सीख ले वो सीख ले, देखो किस में मन लग जाए। हर गुरु अपने चेले को सिखाता है, ले गए। वहाँ एक दो दिन में ही देखा, क्योंकि मैं कामचोर नहीं था, निकम्मा नहीं था, लापरवाह नहीं था, चंडाल आदमी नहीं था, जहाँ लगा देते थे वहाँ लगता था मन से। तो उन्होंने सोचा ये तो इससे ऊपर उठने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ से भी हटाया हमने। फिर भक्तों के बीच में ले गए तो उनको लगा हाँ यहाँ सेट होने लायक है, वहाँ तुरंत सत्संग भजन शुरू कर दिया हमने। काठमांडू ले गए, राजस्थान ले गए, गुजरात ले गए, छत्तीसगढ़ ले गए, सब घुमाया दिखाया। मेरा संस्कार ही था सत्संग का, भक्तों के बीच का, पूर्व जन्म का संत था, और तुम लोग पूर्व जन्म में भी मिले थे, अभी नाम हिमांशु है, उस समय नाम कुछ और होगा। तो उसमें देखा कि तीव्र गति पकड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे इंतजाम दिया, उस कार्य में लगाया और बहुत खुश हो गए। दो एक साल के बाद इस आश्रम का बोले तुम्हें उत्तराधिकारी चुन देता हूँ। मैंने कहा जल्दी क्या है, परख लो, जांच लो, समझ लो, कहीं धोखा हो जाए, गलत आदमी को चुन दो, बात को फंस जाओगे, क्या फ़ायदा मुझे चुनने से, मैं तो बिने चुने चुनाए ऐसे ठीक है। गद्दीधर बनने के बजाय गद्दी उद्दी में कुछ नहीं है, गद्दी पर रद्दी लोग बैठ जाते हैं, गद्दी की भी भद्दी मार देते हैं। हम तो बिना गद्दी के गद्दा पर सोने वाले हैं, और हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं, हमको गद्दी वद्दी से ज़्यादा कुछ लेना है। कितनी पाँच पाँच सौ साल पुरानी गद्दी इतनी रद्दी हो गई कि उसकी भद्दी भी हो गई, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं लोग ना रद्दी लोग बैठे, गद्दी क्या करेगी। आप अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाओ, दादाजी की गद्दी पर बैठ जाओ, आप रिलायंस सिस्टम की गद्दीधर हो जाओ, आप किसी आश्रम के महंत हो जाओ, मठाधीश, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप में क्या क्वालिटी है, आप कितने इफेक्टिव हैं, कितने इंप्रेसिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, उसका भी इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है, फिर भी ठीक है। तुमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मुझे तो काम करना था, सेवा करना था, गद्दी वद्दी का अभी हमको पता ही नहीं चला, मेरी गद्दी यहाँ है कहाँ लगी, दस जगह तो बिस्तर बदल थे हमारे, कहीं यहाँ बैठता हूँ, कहीं वहाँ बैठता हूँ, कहीं उधर बैठता हूँ, कहीं उधर, कुछ ठिकाने नहीं है। अब जिस गद्दी पर मैं बैठता हूँ उस पर मक्खी भी बैठ जाती, वो भी गद्दीधर हो गई। उससे कोई गद्दीधर, आप में गुण होना चाहिए। कहते हैं सिंह जब पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है, और सियार अगर सिंहासन पर बैठ जाता है तो सिंहासन को भी महत्व गिर जाता है, और सियार को हटाकर भगा दिया जाता है। इसलिए सियार मत बनो, सिंह बनो, जहां बैठ जाओ।